मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं ये कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं जुबिन नौटियाल हैं। बहुत फेवरेट इनके, जो कहें कि दुनिया इनके गाने सुनती है, और आज जम्मू आए हुए हैं और जम्मू में आज इनका एक गाना जो है वो रिलीज़ किया है खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। रुबिन, सबसे पहले आपको स्वागत है मंदिरों के शहर जम्मू में। कहें कि बहुत देर के बाद, 80s के बाद, और शायद वो दौर भी नहीं था जब यहाँ पे कोई वीडियो एल्बम्स के रिलीज़ होते या फिल्म रिलीज़ होते थे, काफ़ी समय के बाद लोगों को आज जब जम्मू की सड़कें भरी पड़ी हैं आपके बैनर्स के साथ और लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, एकदम से जुबिन नौटियाल का गाना तो एक फेमस है ही है आँख उठी, और ये एकदम से नए गाने को लेकर, तो यहाँ पर रिलीज हुआ है आपका गाना, क्या कहेंगे सर अपनी ऑडियंस के लिए? देखिए, मैं ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर आके शूट कर पा रहा हूँ और गाने रिलीज़ कर पा रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी स्टार कास्ट का, अभिषेक सिंह जी जो इसमें मेरे साथ हीरो हैं, और समरीन जी जो मेरे साथ इसमें हीरोइन है, और यहाँ के प्रशासन का, यहाँ की गवर्नमेंट का। हम लोग ने एक छोटी सी टीम बनाई और साथ में काम करा, दिल से काम करा, मोहब्बत से काम करा, और हमारी जो इंटेंशन थी काम के पीछे वो बहुत ही पाक थी, इसलिए आज हम इसको पूरा कर पा रहे हैं और इस तरह से ख़त्म करके हमने आज इसको रिलीज़ भी यहीं करा। मुझे लगता है मुझे जम्मू कश्मीर से मोहब्बत होगी, यहाँ के लोगों से मोहब्बत होगी, कि अभी यहाँ से जाने के बाद भी मैं यहीं के बारे में सोचता रहता हूँ। तो जैसे ही मुझे मौका मिला गाना रिलीज़ करने का, मैं फटाफट आ गया। जुबिन जी, बहुत सारे ट्रैक्स हैं आपके, और हाल ही में जो आँख उठी वो हर एक जुबान पे, हर एक चार्ट बस्टर या फिर लोग बोलें उस पर अपना भी टैलेंट उसी गाने को गा गा के दिखा रहे हैं ऑडियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर मंच पे आपको बहुत सारे लोगों ने आवाज़ दी और शूटिंग कर रहे थे कि दो लाइनें आप दो शब्द अगर उसके सुना दीजिए तो लोगों को लगेगा कि वाकई ही जुबिन नौटियाल का वो जम्मू में ही है, उनको सुनाई देगा। मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। बहुत बहुत अच्छा। उत्तराखंड से हैं आप, और अगर हम बात करें, शुरुआत इंडियन आइडल से की थी, वो बहुत लंबा समय सफ़र आपका रहा है, किस तरह से बॉलीवुड को आप देखते हैं, जिस तरह से न्यू कमर्स आ रहे हैं, और खास तौर पे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तराखंड से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, तो किस तरह का आपको माहौल दिखता है, क्या बॉलीवुड अब एक्सेप्ट कर रही है खुले दिल से नॉर्थ इंडियंस को? देखिए, बॉलीवुड हमेशा से, बॉलीवुड के अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो जातिवाद कर सकें या फेवरेटिज्म कर सकें। बॉलीवुड सिर्फ अगर कुछ उसके ऐसे पदार्थ हो तो वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ टैलेंट बोलता है, जहाँ पे आपका काम बोलता है। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आपको कोई बना नहीं सकता। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम एक ऐसे वक्त में आ चुके हैं जहाँ पर इंसान को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपने कश्मीर में शूटिंग किया, किस तरह के हालात दिखे, और बहुत लोगों के लिए एक मैसेज भी है, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे निर्माता, जो वीडियोस से जुड़े हुए सिंगर्स हैं तमाम, या फिर OTT प्लेटफॉर्म से जो वेब सीरीज़ हैं उनके लोग अब जम्मू कश्मीर आना शुरू होंगे, किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस था, क्या कोई आपको डर खौफ का कोई इस तरह का माहौल दिखा जब आप श्रीनगर में कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे? जी, बिल्कुल ऐसा कोई माहौल नहीं था वहाँ पर। प्रशासन का हम लोग को बहुत ही खास सपोर्ट रहा, और ऑनेस्टली लोगों ने बहुत प्यार करा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोकल, जो यहाँ का लोकल आदमी है वो बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ है और बहुत ही सपोर्टिव है, और बहुत ही ज़्यादा अपनापन झलकाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में, ठंडी जो इतनी ख़तरनाक ठंडी में हम शूट कर रहे थे, वो ठंडी भी गर्माहट में बदल गई, और हम लोग को एक बहुत अच्छा शूटिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जुबिन नौटियाल हैं, और इनके साथ अभिषेक सिंह भी है, और जम्मू की ही समरीन कौर हैं जो कि आज इनका गाना रिलीज़ हुआ है। तमाम टीम यहाँ पर थी, और खुद LG मनोज सिन्हा ने एक पूरे गाने को लॉन्च किया है तमाम लोगों के लिए, तमाम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, आप सुन भी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।